हेलो दोस्तों, ईडेर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम दूध की कीपिंग क्वालिटी और सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए किए जाने वाले हीट ट्रीटमेंट की बात करेंगे। दोस्तों, पास्चराइजेशन एक माइल्ड हीट ट्रीटमेंट है जो दूध की पास्चराइजेशन का एक मुख्य मेथड है। दूध का पास्चराइजेशन करना दूध की सेफ्टी को श्योर करता है। दूध के पास्चराइजेशन का मुख्य उद्देश्य दूध में मौजूद सभी पैथोजन को मारना है। पैथोजेंस वे माइक्रोऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो दूध को स्पॉलिश करने के साथ साथ कई बीमारियों का कारण होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि दूध की पास्चराइजेशन करने से केवल पैथोजेंस और अनडिजायरेबल एंजाइम इनएक्टिवेट होते हैं। पास्चराइजेशन कंप्लीट किलिंग नहीं करता। कोएक्सिलिया बंटाई सबसे ज्यादा हीट रेजिस्टेंस पैथोजन होता है जो कि क्यू फीवर डिजीज का कारण है। कोएक्सिलिया बंटाई की किलिंग को पास्चराइजेशन का इंडेक्स माना जाता है। पास्चराइजेशन को फ्रेंच साइंटिस्ट लुईस पाश्चर ने इन्वेंट किया था। पहले पास्चराइजेशन वाइन और बियर की सोरिंग को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता था, लेकिन अब कई फूड और डेयरी इंडस्ट्री में पास्चराइजेशन एक कॉमन प्रोसेस है। टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन के हिसाब से पास्चराइजेशन टेम्परेचर वेरी करता है। पास्चराइजेशन टेम्परेचर पास्चराइजेशन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होने पर पास्चराइजेशन होने में कम टाइम लगेगा। मुख्य तौर पर पास्चराइजेशन की प्रोसेस दो तरह की होती है, बैच प्रोसेस, बैच पास्चराइजेशन, वेट पास्चराइजेशन। सेकंड है कंटिन्यूस प्रोसेस, इनलाइन पास्चराइजेशन, फ्लैश पास्चराइजेशन। बैच पास्चराइजेशन में दूध को 63 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 30 मिनट तक वेट में या कंटिन्यूस में ट्यूब्स में होल्ड किया जाता है। इस टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन को LTLT लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम या होल्डर बैच पास्चराइजेशन कहा जाता है। इस मेथड में दूध में पास्चराइजेशन के दौरान न्यूट्रिशनल लॉसेस ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं कंटिन्यूस पास्चराइजेशन की। इसमें दूध को हीट एक्सचेंजर में से कंटिन्यूस पास किया जाता है। टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन इसमें लगभग 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकेंड होता है, जिसे HTST हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम या फ्लैश पास्चराइजेशन कहा जाता है। HTST पास्चराइजेशन डेयरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला पास्चराइजेशन मेथड है। इस पास्चराइजेशन मेथड से न्यूट्रिशनल क्वालिटी व कलर व फ्लेवर रिटेन रहते हैं। LTLT या HTST कोई भी टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन हो, दोनों ही ट्रीटमेंट के बाद दूध को एकदम से 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा करना पड़ता है। ठंडा करने से फिर से माइक्रोऑर्गेनिज्म्स या पैथोजन की ग्रोथ नहीं हो पाती। इसके अलावा भी दूध की सेल्फ लाइफ बढ़ाने यानी दूध को पैथोजन फ्री बनाने के लिए और भी बहुत सारे हीट ट्रीटमेंट्स दूध पर किए जाते हैं जो टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन से एक दूसरे से वेरी करते हैं। आगे की वीडियो में हम उन ही ट्रीटमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और ई डेयरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो।